हेलो एंड वेलकम टू क्रिएटिव फिक्शन स्टूडियो, दिस इज़ ऑन पॉइंट ट्यूटोरियल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू रिमूव दिस फेस ट्रैकिंग मार्कर यूजिंग द प्लग इन कॉल स्पॉट क्लोन ट्रैकर फ्रॉम रेड जेट। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम अपनी वीडियो को इंपोर्ट कर लेंगे जो कि मैंने पहले से किया हुआ है, और अगर आप देखेंगे तो ये वीडियो कुछ इस तरीके से है। और आपको दिख रहा होगा काफ़ी फेस ट्रैकिंग मार्कर्स है इस कैरेक्टर के फेस में भी, तो हम उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम सेलेक्ट करेंगे अपनी वीडियो को और जाएंगे इफेक्ट्स पैनल के अंदर, रेड चेन VFX, और सेलेक्ट करेंगे अपने टूल को नेम स्पॉट क्लोन ट्रैकर। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें अपनी जो वीडियो है उसके ऊपर दो पॉइंट देखेंगे, एक ऑरेंज और एक ब्लू। तो ब्लू जो है वो है इन पॉइंट हमारा, और जो हमारा ऑरेंज वाला पार्ट है वो है हमारा आउट पॉइंट। मीनिंग कि जो ब्लू है वो हमारी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे हमें क्लीन इन्फॉर्मेशन चाहिए, और जो ऑरेंज है वो हमारा ट्रैकिंग पॉइंट है जिसको हमें रिप्लेस करना है। और अगर लेफ्ट में देखेंगे हमारे इफेक्ट्स पैनल के अंदर, तो वहाँ पर हमारे पास बहुत सारे कंट्रोल्स हैं। तो सबसे पहले हम अपना आउटपुट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, और हम थोड़ा इसको स्केल करेंगे। हमारे जो पॉइंट्स हैं बहुत छोटे हैं और हमारा ट्रैकर उससे बड़ा है, तो हमें उसका साइज़ इंक्रीज़ करना पड़ेगा, जो कि हम करेंगे यहाँ लेफ्ट साइड स्पॉट साइज से। तो मैं इसे चेंज कर दूँगा 40 में। अब हम सेलेक्ट करेंगे इसका एक इन पॉइंट जो कि है क्लीन पोजिशन इस वीडियो में, और वो मुझे लगता है कि ये है। तो आप ज़्यादा दूर की इन्फॉर्मेशन ना लेते हुए एकदम नियर बाई इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो जो आपकी लाइटिंग और आपका टेक्सचर होगा वो काफ़ी सिमिलर रहेगा। तो कोशिश करें कि आप एकदम नियर बाय का कोई पॉइंट यूज़ करें इन पॉइंट में। और इसके बाद हम क्लिक करेंगे जस्ट ट्रैक फॉरवर्ड, और ये ऑटोमेटिकली करेगा जो करना है इसे, और डन। तो ये हो गया। अब हम इसे प्ले करके देखते हैं, तो यू कैन सी कि वो कितना क्लीनली उसने रिमूव कर दिया ट्रैकिंग पॉइंट को। अगर आप देखेंगे बिफोर और आफ्टर तो आपको दिख जाएगा फर्क। ऐसे हम एक दूसरे पॉइंट को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। सेम, हम दोबारा से अपने क्लोन स्टैम्प ट्रैकर को कॉपी करेंगे और दूसरे पॉइंट पे इन और आउट सेलेक्ट करेंगे, एंड देन वी सेलेक्ट बैकवर्ड एंड देन वी सेलेक्ट फॉरवर्ड। और देखेंगे तो ये वाला पॉइंट भी रिमूव हो चुका है। आप देख सकते हैं कि दोनों पॉइंट पता भी नहीं चल रहा कि वहाँ पे कभी थे। अगर आप बिफोर और आफ्टर चेक करेंगे तभी आपको फ़र्क दिखेगा, वरना आपको फ़र्क भी नहीं दिखेगा। तो इतना ही है इस वीडियो में। मुझे लगता है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसी अगली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।